Write a program to implement two-dimensional array. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड कॉन io.h void main ओके गेट सी एच हमने लिख लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं int i कॉमा j, फिर हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं int arr ऑफ, यहाँ पे हम लोग जो एरे बनाएंगे वो 2D एरे होगा, तो मैं यहाँ पे 3x3 का एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स इसमें हमारे पास रोज कितने होंगे 3 होंगे, कॉलम्स भी कितने होंगे 3 कॉलम्स होंगे, तो इस प्रकार से हम लोग 3 रोज और 3 कॉलम्स के यहाँ पे हम लोग एक 2-डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले हम लोग रोज क्रिएट करेंगे, रोज क्रिएट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस लेंगे और यहाँ पे मैं 3 कॉलम क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर चले जाता हूँ। अब सेकेंड रो मैं क्रिएट करता हूँ, सेकेंड रो के अंदर भी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इस प्रकार से दे देता हूँ 1, 1, 1, सेकेंड रो में हम लोग दे देंगे 2, 2, 2, 3 कॉलम्स बन गए, कॉमा देके यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड रो हम लोग क्रिएट करेंगे, थर्ड रो में मैं 3, 3, 3, ईजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं 2D एरे, जिसमें 3 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और हर एक रो में 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे clr/scr करेंगे, क्लियर स्क्रीन, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, ट्रैवर्स करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक लूप लेंगे, एकमात्र तरीका है हमारे पास कोई भी एरे को एक्सेस करने का, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आई लेंगे, आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, फर्स्ट वाला जो लूप हम लोग चला रहे हैं वो रोज के लिए होगा, रोज कितने हैं हमारे पास 3, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेस देन 3 तक, और हम लोग यहाँ पे कर देंगे i प्लस प्लस, देन उसके बाद अंदर हम लोग एक और लूप लेंगे जो हम लोग कॉलम्स के लिए यूज करेंगे, तो कॉलम्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस फॉर लूप को, ठीक है, ये हमारा था रोज के लिए, तो हम लोग कमेंट्स में यहाँ पे लिख लेते हैं रोज, ठीक है, और अंदर वाला है कॉलम्स के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंटएफ, प्रिंटएफ हम लोग लिखेंगे, प्रिंटएफ के अंदर हम लोग लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर arr ऑफ, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, आई और जे हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, पहले इस लूप को हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे j=0, j <3, j++, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i और j की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे %d%d, ठीक है, इस टाइप का कोलन डाल के यहाँ पे वैल्यू हम लोग को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे %d, कॉमा देके हम लोग क्या करेंगे, i, j,
आर आर ऑफ आई जे, आई और जे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंट होंगी, मतलब ए आर आर ऑफ परसेंट डी मीन्स आई की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, देन उसके बाद इस परसेंट डी में जो होगा वो जे की वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ पे जो उसके अंदर वैल्यूज होंगी वो प्रिंट होगी। तो हम लोग इसको करते हैं सेव और हम लोग इसको करते हैं रन। मैं लिखता हूँ टू डी एरे डॉट सी, मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, फिर मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार की वैल्यूज आ रही है, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ ताकि हम लोग आउटपुट अच्छा से देखने मिले। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लैश एन और मैं इसको करता हूँ सेव, सेव मैंने इसको कर दिया, देन इसके बाद इसको करते हैं रन। तो इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 0 में जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है वो 1 है, 0 थ्रो और फर्स्ट कॉलम में मिल रही है 1, 0 थ्रो और सेकंड कॉलम में मिल रही है 1। फिर उसके बाद फर्स्ट रो में आ गया, फर्स्ट रो 0 कॉलम वैल्यू 2 मिल रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मिल रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वैल्यू 2 मिल रही है। फिर आ गया सेकंड रो मीन्स हमारा रो नंबर 3, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है 2 0 मीन्स सेकेंड रो, और उसके बाद 0 कॉलम, तो यहाँ वैल्यू 3 मिल रही है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू 3 मिल रही है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वैल्यू 3 मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, अपने 2D एरे को इम्प्लीमेंट किया। किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके तो मैंने यहाँ पे हटा दिया है सारी वैल्यूज को और हम लोग इसको अब रन टाइम पे इनपुट लेंगे। रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम यही लूप लगाएंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ गया कॉपी किया, यहाँ पे आया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, स्लैश एन, एंटर वैल्यूज, फॉर 2D एरे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इस प्रिंट एफ को हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्कैन एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ और स्कैन एफ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए आर आर ऑफ परसेंट डी परसेंट डी चलिए ऐसा नहीं करते हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट एफ के अंदर ही लिखते हैं और एक एक करके हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ स्लैश एन ए आर आर ऑफ परसेंट डी और इस प्रकार से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, हर बार प्रिंट होगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को एंटर करने के लिए परसेंट डी, और वैल्यू हम लोग कैसे देंगे, कॉमा देके एम परसेंट ए आर आर ऑफ आई जे, आई कॉमा जे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और प्रिंट एफ दे देते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। एंटर्ड वैल्यूज ऑफ 2D एरे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको करते हैं कंपाइल और हम लोग करते हैं रन। तो यहाँ पे वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, ठीक है, वैल्यू सही आ रही है। वहाँ पे क्यों गलत आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्यों गलत दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने आई जे नहीं डाला है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा, देखिए आई कॉमा जे हम लोग कर लेते हैं, सेव करते हैं इसको और वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे ए आर आर ऑफ 0 0 में हम लोग डाल रहे हैं 1, ए आर आर 0 1 में डाल रहे हैं 2, इसमें डालते हैं 3, इसमें डालते हैं 4, इसमें डालते हैं 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रन टाइम पे भी इनपुट ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक 2D एरे में इनपुट ले सकते हैं और 2D एरे को प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे दो लूप का इस्तेमाल किया है, सबसे फर्स्ट लूप जो है हमारा रोज के लिए है, सेकंड लूप जो है हमारा कॉलम्स के लिए। तो जो भी 2D एरे यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं वो रोज बाय कॉलम्स में होगा, और वैसे ही हम लोग उसमें वैल्यू को इनपुट करेंगे और वैसे ही हम लोग उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक इस प्रकार का इनपुट ले लेंगे, ये हमारा क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब रोज कितने हैं, 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, एक और हमारे पास 2D एरे है जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, 1 जो है 5 के साथ ऐड होगा, 2 जो है 6 के साथ ऐड होगा, 3 जो है 9 के साथ ऐड होगा, 4 जो है 11 के साथ ऐड होगा। तो हम लोग का एडिशन कुछ इस प्रकार से परफॉर्म होगा, 1+5, ठीक है, 1+5 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम दूसरे एरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा। तो चारों वैल्यू जो है इस प्रकार से ऐड होंगी और फाइनल हम लोग को एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लोग के लिए होमवर्क है कि कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बन जाएगा क्या? 2 मिनट। यस सर, कोशिश करेंगे। यस सर, ट्राई करेंगे। यस।